यूपी में कल शाम अटकल और चर्चाओं का दौर तेज हो गया। दरअसल यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी दिनों से अटकलों का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच कल ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ये खबर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से सामने आई है और उसके बाद जनता ने भी किस तरह से अपनी राय रखी वो भी आपको दिखाएंगे। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ने कल शाम को एक ट्वीट किया जिसके बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, संगठन सरकार से बड़ा है। इस ट्वीट के बाद साफ हो गया है कि राज्य में जल्द ही कोई नया राजनीतिक बदलाव होने वाला है। वहीं ये भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम द्वारा किए गए ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि उन्हें अब बीजेपी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। पार्टी को राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष की भी तलाश है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी को किसी ओबीसी चेहरे की तलाश है। ऐसे में डिप्टी सीएम के ट्वीट ने इस बात की संभावना बढ़ा दी है कि उन्हें पार्टी सरकार के बदले संगठन की जिम्मेदारी देगी। हालांकि अभी इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये चर्चा आमतौर पर चल रही है क्योंकि वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। उनके बाद बृजेश पाठक ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में ही मुलाकात की थी। यूपी स्थित गाजियाबाद में कल पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं आपको देखना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद जनता क्या बोल रही है। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, स्टूल मुख्यमंत्री जी के इस ट्वीट का मतलब संगठन और सरकार में भीषण युद्ध चल रहा है। जरा विस्तार से अपने वक्तव्य को समझाने का प्रयत्न करें। आपका किस सरकार के मंत्री की तरफ इशारा है? ये इशारा कहीं मुख्यमंत्री जी की तरफ तो नहीं? विनय तंवर कहते हैं, संविधान में तो सरकार ही बड़ी है सर। एडवोकेट नीतीश पांडे लिखते हैं, इस्तीफा दे दीजिए। गौरव बीटीसी कहते हैं, मौर्य जी बात सम्मान की हो अगर तो अपने सब विधायकों के साथ सपा में चले जाइए और मुख्यमंत्री बनिए। देखिए आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे राजनीति में आना। मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था। आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, अगर सामाजिक समरसता के सूत्रधार के रूप में जिनके अंदर आप एक किसान का चेहरा देख सकते हैं, गरीब का चेहरा देख सकते हैं, उसमें पिछड़ों के, वंचितों के सबका प्रतीक रूप में अगर देखना हो तो बाबूजी कल्याण सिंह जी। तो आप देख सकते हैं जनता किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद अपनी प्रतिक्रिया रख रही है। तो आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।